लोकसभा की नियमावली के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी विपक्ष सरकार के प्रति अविश्वास जता सकती है और उसे सदन में बहुमत साबित करने को कह सकती है। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है और कैसे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा के नियम 198 के तहत आता है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होगी, लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। प्रस्ताव की प्रकृति इस तरह की है कि इसे विपक्ष का कोई सदस्य ही ला सकता है। संसद के किसी भी दल को अगर ये लगता है कि सरकार सदन का विश्वास या बहुमत खो चुकी है तो वो अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। ये एक लाइन का मोशन होता है, इसमें कोई आरोप वारोप नहीं होते। अगर होते भी हैं तो स्पीकर आर्डर करते हैं इन आरोपों को काट दिया जाए और एक लाइन का मोशन लगाया जाए कि ये सदन मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करता है, बस ये एक आइटम एजेंडा पे लग जाता है। ये वन लाइनर मोशन होता है सिर्फ एक सत्र का, और इसके साथ शर्त यह है कि जिस आदमी ने ये मोशन दिया है कि सरकार के खिलाफ ये प्रस्ताव दिया है कि सदन उसमें अविश्वास व्यक्त करता है, उसे सदन की अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है उस प्रस्ताव को मूव करने के लिए। तो स्पीकर उसको बुलाते हैं, भाई आप खड़े होके सदन की अनुमति मांगिए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेक्निकल भाषा में लीव ऑफ द हाउस। नियम 198(1)(क) के तहत स्पीकर के बुलाने पर प्रस्ताव रखने की अनुमति मांगनी होती है। 198(1)(ख) के तहत अनुमति मांगने वाले सदस्य को उसी दिन सुबह 10 बजे तक प्रस्ताव की लिखित सूचना महासचिव को देनी होती है। प्रस्ताव की सूचना अगर 10 बजे के बाद आई हो तो उसे अगले दिन दी गई सूचना माना जाएगा। 198(2) के तहत प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना जरूरी है। यदि प्रस्ताव के पक्ष में 50 से कम सांसद खड़े हों तो अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं देते। 198(3) के तहत अगर प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अनुमति मिलती है तो अध्यक्ष चर्चा के लिए कोई एक या ज्यादा दिन या किसी दिन का एक भाग तय करते हैं। 198(4) के तहत चर्चा के अंतिम दिन अध्यक्ष मतदान के जरिए निर्णय की घोषणा करते हैं, जबकि 198(5) के तहत भाषणों की समय सीमा अध्यक्ष को तय करने का अधिकार मिला हुआ है। अगर सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। रूल्स 198, उसमें ये प्रावधान है कि अगर नोटिस दिया जाता है स्पीकर को तो स्पीकर साहब उस नोटिस को पढ़ेंगे हाउस में, और जिन लोगों ने उसका समर्थन करते हैं उनको खड़े होने के लिए कहा जाएगा या उनकी वोट की गिनती की जाएगी, और कम से कम 50 लोगों की सहमति होनी चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के एडमिट होने के लिए। दूसरी तरफ विश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा की नियमावली में कोई खास उपबंध नहीं दिया गया है, लेकिन विश्वास का प्रस्ताव सरकार की ओर से लाया जाता है जिससे वो दिखा सके कि उसे सदन में बहुमत हासिल है। कई मौकों पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सदन में अपना बहुमत साबित करने को भी कह सकते हैं, जिसके लिए सरकार विश्वास प्रस्ताव लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।